उफ, अभी हम जिंदा सलामत यहां से निकले हैं, घर देख रहे हैं। इतना छोटा सा आपको हमने इस घर का विजिट कराया, बस ये इसी में खुश हैं। ये खुदा को मानते हैं और कहते हैं वो आसमान में है। वाह, इनके कान में क्या है यार? ये कान में सुराख क्यों किया हुआ है? इतना बड़ा सुराख क्यों? अच्छा, बस सही है, सही है, सही है, ज्यादा नहीं पूछो भाई। अभी कान में वो है ना, निस्वार की डब्बी डाल देते हैं ना कान। अच्छा, निस्वार खाते हैं ये लोग? कान, हाँ, फिर वो डब्बी होती है ना, वो थोड़ा 70 साल के, 70 साल उम्र इनकी लंबी है माशाल्लाह। अच्छा, ये तजहीज और तकफीन कैसे करते हैं जब कोई इंतकाल होता है? ये बहुत अहम सवाल है। बाज़ एक दो लोग जो है इंग्लिश जानते हैं, उनको शहर भेजा इन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं ना तो वो बिल्कुल एक दूसरे की बात समझते नहीं है। ये मकामी यहाँ की जबान भी नहीं जानते जो शहर की जबान। मसाई कौम है जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं इस वक्त, तंजानिया के एक जंगल के करीब। जब बड़े लोग होते हैं उनको हम तकफीन अपने ही घर के अंदर या कब्र बना के उसको गाय की चमड़े के अंदर कफन बनाकर पूजा करते हैं। छोटा बच्चा हुआ तो उसको घर के बाहर। अच्छा, जो बड़ा आदमी है घर का उसको घर के अंदर ही दफन करते हैं। कोई कब्र है यहाँ इन्हें तो उसका कोई जनाजा गुसल? नहीं, इनसे पूछें कि क्या जनाजा और दफन कफन यानी तरीका क्या होता है, कितने दिन में दफन करते हैं? रोते हैं, कुछ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमारा इस्तकबाल किया इस तरह मैयत का, इस अगर इनके मैयत के बड़ी बड़ा खानदान है, बच्चे उनके कहीं और जगह पे हैं, जब तक वो नहीं आ जाते 2-3 दिन का इंतजार करते, उसके बाद जो दफन करते। तो इतने दिन तक क्या पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते बढ़ते हैं उसके ऊपर, वैसे ही रखा जश्न मनाते हैं। कुदरत पर इनका ईमान है। कुदरत की कुछ ऐसी लकड़ियाँ होती है वो लाते हैं, फिर उस पर नाच गाना होता है। अच्छा अच्छा, we have the special tree, I mean all the kids are gonna bring all the piece of their wood and put inside all the kids. 70 saal. Okay, for example, when a person from us, my father, my mother's, when she or he dies, we pray like this, we recite alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. We recite this and you what do you recite on a dead body? do you recite anything? Words that you say for your dead? No. Only weeping. Singing and weeping. What do you sing? Yes. What do you tell? But I don't know in English. In Swahili. In Masai. In Masai. We recite Alhamdulillah Rabbil Alameen. What do you tell? What do you recite? What's your Allah.
गाय का मतलब अल्लाह है। अच्छा we recite Allah, we tell Allah, between you and we nothing more between and difference. तो काफी डिफरेंस हो गया जिस तरह आपने बयान किया। मजाक कर रहा हूँ। वी ऑल्सो बिलीव इन तौहीद, गॉड इज ओनली वन, एंड यू ऑल्सो बिलीव इन तौहीद। तौहीद यू नो, वन गॉड, ओनली वन गॉड, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। So you believe and we believe the same. Yeah. You see, you and us, we don't believe in so many beings. Like small God or big God, no. We see like Hindus. Like other people that are coming, that tell us, go in church. जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं भाई, मोबाइल झगड़ी हुई है। आपका मोबाइल है, अरे इनसे पूछो, इन लोगों का मोबाइल नहीं है। डू यू यूज मोबाइल? Sometimes. But not everybody. Okay. Good, good. You okay, guys? No. Yes, we are okay, okay. जूते, वो टायर के, वो टायर के जूते बनाते हैं स्कूटर के टायर से, सबके चप्पल एक जैसे। So now, this is Kihalar. Show me down. ये कोई टेम बता रहा है। We use this word to make the fire. देखो, ये टेम बता रहा है। I listen, somebody says that. Oh, वो आग वाला तो दिखाएं यार, लकड़ी कैसे जलाते हैं, जगाओ। Yes. ये लकड़ी से आग जला रहे हैं। So this is Maasai method. We use our traditional wood. This is from Acacia, but this is from Omifor. So Maasai, we are nomadic. We are moving from one place to another. So if we move somewhere, तो जरा इनसे बोले ना, जला के दिखाओ, दिखाओ यार। कुरान में है ना कि तुम लकड़ियों से आग जलाते हो। देखो, अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़िंदगी का इंतज़ाम किया है, क्योंकि आग की ज़रूरत तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक है। तो ये बारूद वगैरह तो अब ईजाद हुआ है। तो अल्लाह ने ऐसे दरख्त पैदा किए जिनकी लकड़ियों को रगड़ के आग जलाते हैं। सूरह वाकिया में इसका तज़किरा है, फ़राइदुम नार लती तुरून, भला वो आग जो तुम जलाते हो, अन्तुम अंशा तुम शजरा था हम नहुल मुंशियून, उसके दरख्त को तुमने पैदा किया या हमने पैदा किया। जंगल में रहने वाले इंसानों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। धुआं निकलना शुरू हो गया, लकड़ी में से भी धुआं निकल रहा है और थोड़ी देर में इनमें से भी धुआं निकलेगा अगर ये इसी तरह लगे रहे ना। बड़े बदबू आ रही है आग की। गर्म हो गया, आग के धुआं आ रहा है और जलने की बू आ रही है। देखिए अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया है इंसान के लिए। जलने की बू आ रही है टाइट। जाहिर है एक दफा जलाने की टेंशन होती होगी, फिर तो जल गई, तो फिर वो आग से आग लेते हैं। जल गई। इस पे घास डालेंगे तो आग लग जाएगी। गुड, देखें ये एक मसाला तैयार हो गया। वेरी गुड। ये लकड़ियों हटो बच्चों यार। नमाज कहाँ पढ़नी है? इधर ही वजू की जगह है। माशाल्लाह कान कैसे खानदानी है। ऑर्डर पे बनवाए इन्होंने, सुराख किया दरमियान में इतना बड़ा, वो
वो कह रहा था निस्वार की डिब्बी रखने के लिए करते हैं ये लोग है? उसमें रखते हैं निस्वार की डिब्बी रखते हैं निस्वार पे किसने लगाया इनको ए बच्चा माशाल्लाह सबके पास है इधर टॉफियां नहीं लेकर आया यार गाड़ी में रह गए इन बच्चों को टॉफियां देनी चाहिए यार जाते हुए देंगे इंशाल्लाह यू आर किड्स यस इंग्लिश नहीं जानते ये लोग ये सिर्फ एक दो लोग जानते हैं ये हैदरी मार्केट है इनकी नाक से निस्वार भाई चले ठीक है ये बोलते हैं कि औरतों ने बनाया है अच्छा ये खुद बनाया है औरतों का ही बिजनेस है औरतें ही उसकी कीमत तय करेगी आपको कुछ पसंद भी हुआ तो औरत सामने नहीं आएगी ये मर्द को दोनों पर जाएगी अजीब जिंदगी है भाई लोगों की तो कैसे रहते हैं बारिश में इसके छोटे से घरों के अंदर बारिशें इतनी होती हैं पूरे साल होती रहती हैं पूरे साल ग्रीनरी रहती है यहाँ पे क्या कह रहे हैं अच्छा ये देख रहे हैं आप ये कान में जो इन्होंने सुराख किया था ये डब्बी रखने के लिए ये निस्वार की डब्बी रखने के लिए क्या खूबसूरत जेब बनाई है यार जबरदस्त ये मसाई कौम है जिसका हमने आपको थोड़ा सा तारुफ करवाया दुनिया में आप देखें ये जंगली कौम है यानी जंगलों में ही सदियों से रह के आबाद हुए जानवरों में पले बड़े हैं जानवर का खून पीते हैं जानवर का गाय का गोश्त खाते हैं और सब्जी बिल्कुल नहीं खाते हैं और सिर्फ दूध पीते हैं तीन खुराकें इनकी खून पीना बहता हुआ खून और गोश्त खाना और दूध पीना थोड़ी सी हम इनको दावत देंगे अभी तो आपने मुसलमान किया था माशाल्लाह ये दीन की जबान में इनको तबलीग कर रहे हैं दीन की इस्लाम की इनकी जबान इनका तबलीग में साल भी लगा हुआ है बैतुल मुल्क गैर मुल्क माशाल्लाह 84 के करीब गैर मुस्लिमों को इन्होंने मुसलमान किया फिरोज खान नाम है इनका जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था lakini saa ingine Mwenyezi Mungu anakupenda anakupa na singine anakupenda anakunyima kama mtoto anataka wembe unamnyima analia baba nimenyima wembe lakini sio kwamba yeye amempa hasara ki wembe umenyima kwa sababu iko hasara ikukata sasa Allah Subhanahu wa ta'ala katuma kwa mkutasa maisha hapa ili kufanya ibada yake baada ya kufa anatupa maisha ya milele na milele yani mimi mwenyewe Allah Subhanahu wa ta'ala ameshapa maisha ya kuweza kumwamini yeye ya kuweza vile vile kuishi katika maisha ya kutendana na kuishi katika heshima na adabu laibwana na naheshimiwa
kusema kitu sawa kina mama mmempa nafasi yake ipatikane hapa lazima tumtambue na hii inatapatikana pale ambapo sisi tutampokesha yeye tusimshirikishe tufanye ibada yake watu wa kweli kwa watu wote tupendane na kila mtu alafu ile zile tufanye juhudi kwamba watu wamtambue yeye mtu ambaye anafanya kumtambua Mwenyezi Mungu huyo anakuwa nani anakuwa mpendwa na Mwenyezi Mungu kuliko watu wote yeye kama morana ni mke zaban bhi sikhiye mashallah के 84 लोगों को मुसलमान किए इनमें से मौलाना नहीं है यही फिरोज खान नाम है पठान है असलन 300 साल पहले यहां आए थे और तबलीग में जुड़ गए फिर ये और साल लगा हुआ है तो माशाल्लाह तबलीग का फरीजा हर जगह अदा करते हैं Sasa fanye fikra kila siku kilala omba Mungu ambaye umeniumba nijalie maisha ambayo wewe unapenda. Sasa moyo wako atafuta hiyo. Mungu yuko karibu na kila kitu ambacho unapenda. Kama unapenda pamoja Mungu anakupenda kweli. Tuko tayari inshallah. Mashaallah. Sawa eh? Inshallah mashaallah tusifadhi. Nice to meet you. You're welcome. बाय बाय हाँ पैसा देते हैं देते हैं मेरे पास इस मुल्क की करेंसी नहीं है ये पैसे मांग रहा है इसको एक आध रुपया दे दें ये इन लोगों की गायें हैं अल्लाह इन लोगों को ईमान की तौफीक दे बच्चों को हम लेके जा रहे हैं अपने साथ इनको जरा कुछ चीजें वीजे देंगे मासूम बच्चे हैं ये फ्री फोकट में पलती हैं गायें सारा साल खाने के लिए फ्री फोकट का चारा है बच्चे भी देखो कैसे मजे से चल रहे हैं खुश हो रहे हैं क्या नाम है इसका इसका नाम लिलियन है हम इसको लैला का नाम दिया है लिलियन कैसे मजे से जा रही है आपके साथ ये बच्ची हम आए तब ये कैसे टाटा ही कर रही थी ना हाँ ये टाटा कर रही थी जब हम आए ना watoto ni baraka kubwa mtu ambaye anapata mtoto wa kike akamlea vizuri akamfundisha vizuri akamwezesha mwanamke power bank jeb mein hona to chahiye jeb mein nahi mera khal jacket ki jeb mein hoga dekhen check kare warna hai ये हमारी गाड़ी है जो हम जंगल में लेके गए थे ओ देखो पहरेदार खड़े हैं बादल देख रहे हैं नीचे आए हुए हैं जंगल में सिर्फ यही गाड़ी जा सकती है ना क्या पेंच
खुश है, खुश शेर को मारा है वाकई। इनसे पूछें, डिड यू किल लायन? ये क्यों नहीं जानते? हाउ 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 डिड यू किल? क्या कह रहे हैं? बाले से How long have you been living in this village? अच्छा यू वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? वेयर डिड यू लर्न? इन स्कूल? अरुषा, अरुषा, अरुषा यहाँ करीब का शहर है। बाल जी शेर मारा है, मारा ही होगा। चलें जी, इजाजत। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ओके, हेलो। कान मसराख किया हुआ बोतल रखने के लिए, बोतल रखने के लिए जेब बनवा लो यार, कानों में सुराख कर रहे हो। खैर इनकी मर्जी भाई, जहाँ चाहे सुराख करें। क्या ख्याल है? इनकी मर्जी, जहाँ चाहे सुराख करें, हमें क्या इससे तकलीफ। बैठे अंदर, आप आगे बैठे, मैं इधर बैठता हूँ ना इनके साथ में। चलो चलें भाई। ये हम जंगल से अब वापस रास्ते में, ये लोग हमें मिले थे, अब हम वापस जा रहे हैं। जंगल की डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने देख ली होगी। शेर चीता हमें इसलिए नहीं मिला कि चीते जो थे वो बारिश की वजह से थोड़ा कहीं साइड पे दरख्तों के नीचे गए हुए थे, तो हमने तलाश की मगर मिले नहीं हमें, क्योंकि वो जब बारिश का मौसम होता है तो ये जानवर थोड़े दाएं बाएं हो जाते हैं। और जराफा भी हमें इसलिए नहीं मिला कि जराफा पहाड़ के उरली जानिब है, दूसरी तरफ है, उसका टाइम नहीं था हमारे पास। वरना जराफा भी है जो लंबी गर्दन वाला होता है ना, और वो भी था इसमें, चीते भी थे। ठीक है, बस चुगू खड़े हुए लोग कि चुगू अपना ये क्या होता है ना, दीमक, दीमक का वो घर ये है। दीमक? हाँ ये बड़े बड़े घर है। ओए ये दीमक का घर है, इतना बड़ा घर बनाती है दीमक? ये इतना मजबूत होता है, इस पे बैठ सकते हैं। अरे इसको अपने तोड़ने की कोशिश करिए, तो हथौड़ा चाहिए। ये है दीमक, दीमक का घर। दीमक ने बनाए इतने बड़े बड़े घर। ये आप देख रहे हैं, मिट्टी के घरों दे नहीं है, ये दीमक के घर हैं इतने बड़े बड़े।